माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जायल की अधिकांश ढाणियों में विद्युत कनेक्शन वंचित ग्रामवासियों की शीघ्र विद्युत कनेक्शन जारी करवाने जाकर राहत दिलाने के संबंध में ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूँ। उपयुक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में सभापति महोदय निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र जायल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत तंत्र का विस्तार कार्य कर योजना अनुसार सभी पात्र आवेदकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उक्त विधानसभा क्षेत्र में सौभाग्य योजना अंतर्गत भी योजना अनुसार सभी पात्र आवेदकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जायल में ढाणियों में समूह को विद्युतीकृत करने हेतु पत्रावलियां लंबित नहीं हैं। उक्त विधानसभा क्षेत्र में आवेदकों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर निगम नियमानुसार मांग पत्र जारी कर वरीयतानुसार जमा मांग पत्रों के अनुरूप विद्युत कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी। अभी तक आपका जो है ये इसका मेरे पास उत्तर भी नहीं आया है, पर मैं आपसे इतना जानना चाहूँगी कि जो आपके पास में जो अभी आपने बोला है ये बिल्कुल सरासर आपके पास में तथ्य दिए बहुत झूठे दिए हैं। मेरे पास में लिस्ट भी है, कम से कम 40 ढाणियाँ तो मेरे हाथ में लिस्ट है जो BPL APL की हैं और ठेकेदारों की मन मर्जी से वजह से ये लोग वंचित रह गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या शेष रही ढाणियों को विद्युत कनेक्शन कराने का विचार रखते हैं? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सभापति महोदय, जायल से आने वाली माननीय सदस्या ने जैसा पूछा है उस अनुसार जायल विधानसभा क्षेत्र में 139 गांव, नागौर के 33 गांव इनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। उनमें 5,777 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है और इसमें ख़ासतौर से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत 2289, दीनदयाल योजना के अंतर्गत 1094 और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2394। इस प्रकार 5,777 गांवों को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। इनके जो एक तरह से हैबिटेशंस हैं वो 495 तो जायल पंचायत समिति की हैं और नागौर पंचायत समिति के हैबिटेशंस 155 हैं। उनमें कुल मिलाकर के 650 रिकॉर्डेड हैबिटेशन जिसको ढाणियाँ कहते हैं वो हैं। उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन विभाग की जानकारी के अनुसार किया जा चुका है। आपने कहा कि 40 ढाणियाँ अभी तक ऐसी हैं जो वंचित रह गई हैं, तो मैं इनसे सूची ले लूँगा और रिकॉर्डेड ढाणियाँ यदि वंचित रही हैं तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई कराऊँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो गैर आबादी वाले खेत हैं वहाँ के 1142 घर हैं जो कोई 5 किलोमीटर कोई 7 किलोमीटर जहाँ गैर आबादी है वो जरूर वंचित रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड ढाणियाँ जो है वंचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जो जिन ठेकेदारों की वजह से ये लापरवाही हुई है क्या उनके प्रति आप कार्रवाई करेंगे? रिकॉर्डेड ढाणियाँ और जहाँ 31/3/2019 से पूर्व में सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो आवेदन आने थे उसके अंतर्गत तमाम पात्र लोगों को हमने कनेक्शन कर दिए हैं। यदि निर्धारित तारीख तक, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि आवेदन आ चुके हैं और उनकी ढाणियों में कनेक्शन नहीं हुए, तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। समिति का उपस्थापन श्री गुलाब